वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी? आई जस्ट होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और मंदिर है पीछे, एंजॉय कर लीजिए। तो मैं जा रही हूँ आज मिनी हार्ट, जैसा कि मैंने कल शाम को बोला था आप सबसे कि मैं मिनी हार्ट जा रही हूँ। और ये मैंने टॉप पहना है, जींस पहना है। यहाँ मुझे टॉप और जींस पहनने का मौका मिल जाता है, वहाँ भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ है कि रेगुलर यहाँ मैं यही पहनती हूँ। मैं सूट नहीं पहनती, क्योंकि सूट वहाँ मुझे पहनने ही होते हैं। तो ये टॉप मेरी मम्मी ने दिया है, नेट का टॉप है। बहुत अच्छे अच्छे दो चार टॉप दिए हैं, जब तक यहाँ हूँ वही पहनती रहूंगी। सो मैं जा रही हूँ अभी मिनी हार्ट। तो आप लोग ब्लॉग में आगे तक बने रहना, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वहाँ पे बहुत सारे ब्लॉगर आते हैं, वीडियो शूट करते हैं, तो सब कुछ दिखाऊंगी मैं वहाँ पे, जितना भी कैप्चर कर पाई सब कुछ दिखाऊंगी। तो वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ से अभी एंटर करते हैं अंदर, और यहाँ पर अंदर जाने की टिकट लगती है। बड़े बड़े ब्लॉगर आते हैं वीडियो शूट करने यहाँ पर, और शॉर्ट वीडियो के लिए भी आते हैं, जो इंस्टा में डलती है, मौज टकाटक जो भी वीडियोस बनती है। यहाँ पर व्यू बहुत अच्छा आता है, इसलिए यहाँ पर वीडियो बनाते हैं। ये छोटा दिल्ली हार्ट है, मिनी हार्ट, इसको मिनी हार्ट बोलते हैं। दिल्ली हार्ट है वैसे ये, तो ये संडे को पूरा फुल रहता है। आज हम मंडे को आए हैं, इसलिए थोड़ा खाली है ये, बट अभी रश होता जाएगा यहाँ पर। ये दोनों मस्ती कर रहे हैं। ये टिकट है 20 रुपीज़ की पर पर्सन, 20 रुपीज़, 10 ईयर से ऊपर जो होगा उनकी टिकट लगेगी। अंदर जब एंट्री करते हैं तो इसको कार्ड देते हैं ये टिकट को, ताकि पता चल जाए कि हाँ ये अंदर बंदा अंदर जा चुका है, तो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए फाड़ देते हैं। तो ये मिनी हार्ट है, हम अंदर एंटर कर चुके हैं। चलिए ऊपर चलते हैं, पहले वो लोग ऊपर पहले भाग गए तो मुझे भी ऊपर ही जाना पड़ रहा है। ये सारे ब्लॉगर हैं सब। ये देखिए यहाँ पर वीडियो शूट होता है, बहुत अच्छी वीडियोस बनती हैं यहाँ पर। अभी मैं वहाँ पास जाके दिखाऊंगी, बहुत बड़ा है, स्टॉल भी लगते हैं यहाँ पे। प्यास लग गई, अब प्यास लग गई, मेरे को भी लगी है। चलो पानी पीते हैं, फिर दिखाते हैं थोड़ी देर में और कुछ। सनसेट, आज मंडे है ना, संडे को भीड़ रहती है। अच्छा है हम भीड़ कम है तब आए हैं, सही है। बोलो बोलो भैया बोलो। हाँ मैं ब्लॉगिंग करती हूँ ना। हाँ जी, चलो अच्छा है। अभी लाइव आ रहे हैं या मतलब ब्लॉगिंग में शूट कर रहे हैं? ये वीडियो शूट कर रही हूँ मैं ब्लॉगिंग के लिए। हाँ बनाओ, मैं शूट कर लूंगी। पर वीडियो बना रही है। ये लड़कियां भी वीडियो शूट कर रही हैं यहाँ पे, ये शायद इंस्टाग्राम के लिए। ये देखो यहाँ पर ये आ गए हैं लोग ब्लॉगिंग करने के, मतलब जो वीडियो शॉर्ट वीडियो बनाते हैं यहाँ पर वीडियो शूट के लिए। और मैंने आपको एक दिखाया भी था, एक लड़का जो वीडियो बना रहा था उसको मैंने इन्वॉल्व कर लिया था, तो उसने भी, वो भी आया कि आप भी अपना चैनल का नाम बताओ, तो उसने भी सब्सक्राइब किया। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है यहाँ पर, हमें जान पहचान हो जाती है, फ़ैन मिल जाते हैं, और हमें सब्सक्राइबर मिल जाते हैं जो हमें सब्सक्राइब कर लेते हैं, और ऐसे जान पहचान बढ़ जाती है। तो मिलके ही होता है जो भी चीज़ होती है। आप यहाँ देख सकते हो, मैं स्टॉल में जा रही हूँ, अभी नीचे से दिखाती हूँ। तो ये ऊपर का ये देखो काफ़ी सुंदर है, मैं थोड़ा लेट हो गई यहाँ आने में, नहीं तो मैं दिखाती, किसी दिन पूरा दिन निकाल के आऊँगी यहाँ पर। अभी मेरे साथ कोई है भी नहीं वीडियो शूट कर ले, जो अभी देखो सिर्फ मैं ही ऐसे बना रही हूँ, है नहीं कोई बनाने के लिए। नन्नू भागना नहीं है, आराम से चलो। स्टॉल लगते हैं यहाँ पर,
सो यहाँ आप देख सकते हो बहुत से पॉपुलर जो होते हैं यहाँ पर वीडियोस बनाते हैं, पॉपुलर क्रिएटर्स जो वीडियोस बनाने आते हैं वो ज़्यादातर इसी जगह पे बनाते हैं। मैंने बहुत से वीडियोस में देखा है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एमएक्स टकाटक, मोज और यूट्यूब, काफ़ी मतलब कई जगह पर मैंने देखा है, कई साइट पर मैंने देखा है कि लोग यहाँ पर वीडियोज़ बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, कई बार यहाँ पर ब्लॉगिंग करने के लिए भी आते हैं। तो काफ़ी बड़ा है ये। आज मेरे पास इतना टाइम था नहीं, मैं लेट आई थी और शाम होती जा रही थी, मुझे मार्केट जाना था इसलिए मैं पूरा नहीं दिखा पाई। किसी दिन पूरा दिन टाइम निकाल के ही मैं इसी को मतलब टूर कराने के लिए आऊँगी, मिनी दिल्ली हाट को। और काफ़ी बड़ा है ये। कैंटीन जो थी इसके अंदर, बड़ी वाली कैंटीन, वो बंद थी। बाकी खाने पीने का सामान आपको सब मिल जाएगा। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है घूमने के लिए। और मैं आपको बता दूं, जस्ट इसके टच में तिहाड़ जेल है, और तिहाड़ जेल सबसे बड़ी जेल है। तिहाड़ जेल के बारे में कौन नहीं जानता। तो इसके टच में है तिहाड़ जेल। मैं जब बाहर से आई थी रोड पर, तो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई और उस टाइम वो निकल चुका था। इसके जस्ट पीछे तिहाड़ जेल शुरू हो जाती है। तिहाड़ जेल काफ़ी बड़ी है, और ये भी जो नीली मिनी हाट है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये घूमने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए इसमें बस। सो गाइस, यहाँ पर अभी अंधेरा हो गया है और हमें बाहर मार्केट में काम भी है, तो किसी दिन यहाँ पर पूरा टाइम निकाल के आऊँगी, तब दिखाऊँगी यहाँ के चीज़ें। अभी आधे से ज़्यादा यहाँ पे बंद है, और संडे को आऊँगी, संडे को दिखाऊँगी, संडे को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि संडे को ज़्यादा ओपन हो जाता है यहाँ पे और बहुत सारे ब्लॉगर आते हैं, तो संडे को टाइम निकाल के आऊँगी। बाकी अभी चलते हैं, मुझे मार्केट जाना है, कुछ काम से सामान लेना है, तो आराम से दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं बाहर, तब तक आप ब्लॉग में आगे तक बने रहना, और भी कुछ है दिखाते हैं ढूंढ रहा है वो नन्नू। चलो, और चलिए निकलते हैं यहाँ से, देख लीजिए आप पीछे से एग्जिट होते हैं, ठीक है। तो ये है एंट्री की जगह, यहाँ से आपको टिकट लेनी होगी, और इसी के साइड में एग्ज़िट भी है, और यहाँ आपको लोग दिख भी रहे होंगे जो लोग वीडियोज़ बना के बाहर निकले हैं। साइड में इनके पास कैमरा भी था, इससे ये वीडियोज़ बनाते हैं। ये क्या है, इसके अंदर क्या है, देखें बंद पड़ा है, तो कुछ दिख नहीं रहा, लाइट ऐसी जल रही होगी। हाँ, हैं क्या, ओहो, चलो चलते हैं, एग्जिट होते हैं। तो ये तिलक नगर में है, ठीक है, जनकपुरी तिलक नगर के बीच में, तिलक नगर स्टार्ट हो जाता है। चलो चलो एग्जिट, चलो एग्जिट, फिर किसी दिन आएंगे। सो यहाँ मैं आ गई हूँ दिल्ली बाज़ार। यहाँ पर आपको 199 रुपीज़ ईच आपको सभी सामान मिल जाएगा, 199 ईच। आप कुछ भी सामान लो आपको 199 रुपीज़ का मिलेगा, चाहे छोटा लो बड़ा लो, मतलब सभी सामान 199 रुपीज़ के ही हैं। तो ये है दिल्ली बाज़ार। One eternity later. ये लो। सो यहाँ आ गए हम साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में। मैं आपको बता दूँ, ये छोटा सा रेस्टोरेंट है, और मैं यहाँ पर अपने स्कूल टाइम से डोसा खाने आती थी। जब मैं 8th क्लास में थी, तब हम ट्यूशन टाइम में यहाँ डोसा खाने आते थे। 2 hours later. So guys, हम आ गए हैं अभी घर पे, और मैंने आके, मुझे गर्मी लगी थी तो मैंने नहा लिया और चेंज वेंज भी कर लिया है, खुल्ला खुल्ला सा पहन लिया है, मेरा भाई बेटा है। और इन दोनों की हालत देखिए जरा, आइसक्रीम खाने की, इसकी हालत देखो पहले जैसे खा रहा है, ये कपड़ों का हालत, इसलिए मैंने इनके आगे कपड़े चेंज नहीं किए, खाली हाथ पैर धोए, कपड़े चेंज नहीं किए। और इसके भी मैंने कपड़े चेंज नहीं किए, हाथ पैर धोए बस, बाहर से आए थे, मुझे पता था ये आइसक्रीम खाएंगे और ये कपड़े गंदे करेंगे इसलिए मैंने चेंज नहीं किए। सो आज का व्लॉग यही था। मैं गई थी दिल्ली हाट, मिनी हाट, छोटा वाला दिल्ली हाट, तो वहाँ पे मैंने आपको दिखाया, कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी एक दिन किसी दिन टाइम निकाल के पूरे दिन का दिखाएंगे वहाँ पर। संडे को जाएंगे, संडे को वहाँ बहुत भीड़ होती है, और संडे को दिखाएंगे, बहुत लोग ब्लॉगर आते हैं बड़े बड़े वीडियोस बनाने के लिए, बहुत सी चीज़ें। अभी ज़्यादा आज बंद भी था, संडे को सब कुछ खुला होता है वहाँ पे, स्टॉल वगैरह लगे होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। कभी आराम से उसी का ही ब्लॉग बनाऊँगी एक दिन, जो भी था। अब जाना है परसों मुझे घर, तो कल मैं थोड़ा सा, मम्मी कह रही है अब ले जाने का सामान वामान लेके आएंगे कल मार्केट से, तो कल का ब्लॉग वो होगा, और परसों फिर घर। तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, मैं आगरा भी जाने वाली हूँ, तो अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगरा की भी ब्लॉगिंग होगी, आगरा का भी अब देखना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। तभी और बाय।